सारे खेत रेडी हैं और अब इसमें नई फसल बोई जाएगी। ऐसे जानवर बांध बांध के ये पूरे में देखिए गोबर पड़ा हुआ है, तो बारिश होगी गोबर घुस जाएगा ज़मीन में। यहाँ पे भी गोबर है, ये भी खेत है और बढ़िया फसल होगी ऑर्गेनिक। अब ये लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और नंगे पैर देखिए इसमें आराम से पथरीले ज़मीन में दौड़ लेते हैं। ये तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो बड़े को पकड़ने में हरिमोहन ने यहाँ से जंप मारी और उसको पकड़ लिया। वो पत्थर हैं इसमें, तो काफ़ी पत्थर हैं आप देखो यहाँ पे। तो इसमें आप वैसे दौड़ने में आदमी सोचेगा यार कैसे, लेकिन आराम से जो जहाँ रहता है वैसा अडोप्ट कर लेता है। अब आराम से प्लेन्स में हमने बचपन में जितने पकड़म पकड़ाई खेली है वो प्लेन मैदान में खेली है, ऐसे पहाड़ों पे कभी नहीं खेली, पहली बार देख रहा हूँ। और इसमें कूद कूद के बच्चे यहाँ से वहाँ भाग जाते हैं, वो देखो भाग रही है, वो पकड़ गई। इस जंगल से जो हमारे बर्डिंग हट के सामने वाला है, बहुत सारे जंगली मुर्गे बोल रहे हैं। एक इधर बोल रहा है, एक इधर बोल रहा है। ये देखिए सोने की तैयारी है आग जला के, और ये अभी अभी नहीं सोना। अच्छा 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 हाँ उसके बाद वहाँ से वहाँ पे देखा मैंने जो सफेद पेड़ है ना, हाँ वो सामने आ रहे थे वो, हाँ यहाँ से कुत्ता भोगा उधर को चले गया नीचे। तो एक था कि दो थे? एक एक ही था। हाँ एक। अच्छा जब मैं यहाँ से नीचे चला गया था। हाँ, जब आप लोग यहाँ से नीचे निकल गए। तो दोस्तों देखिए जब बच्चे खेल रहे थे उसी टाइम पे लेपर्ड आया था, तो जानवरों की सुरक्षा के लिए आग जला दी है और यहीं आप सोएंगी। नहीं आता ना? और वो रखती हो आप दराती वगैरह कुछ? अच्छा तो ये आग जल रही है, इससे मच्छर भी नहीं आएंगे। अब ये कुत्ता यहाँ कूलर के नीचे सो रहा है, और कोई भरोसा नहीं यहाँ से आके लेपर्ड उसको खींच के ले जाए, इसके चक्कर में ही आया था इधर से। जब वहाँ बच्चे खेल रहे थे तो इधर ही इधर आया, मैं वहाँ से नीचे आ गया शूटिंग करके, तब वो बता रही हैं जो माता जी हैं बता रही हैं कि ऐसे ऐसे आया, उन्होंने देखा कुत्ता भौंक रहा था, तो जब इधर आया है तो यहीं है अभी, वो कहीं दूर नहीं गया होगा, कहीं मज़े से बैठा हुआ है वॉच कर रहा है। कोई भरोसा नहीं, धीरे धीरे स्लो मूव करके, क्योंकि किनारे कुत्ता है, अब इसको अभी बंद कर दो तो बंद होगा नहीं। तो कुत्ता इसका फेवरेट फूड है। लाइट फिर चली, लाइट बार बार जा रही है, अभी देखो आप जनरेटर ऑन करना पड़ता है फिर। और जो ये चंग चंग ऐसी आवाज़ आ रही है, ये नाइट जार है, एक बर्ड होता है, इसकी आंखें लाल चमकती हैं जब इस पर रोशनी पड़ती है, एकदम खून जैसी लाल आंखें चमकती हैं। और ये देखिए चंद्रमा। जंगली रिजॉर्ट में नई सुबह, कोयल बोल रही है सामने, पीछे जंगली मुर्गे, वहां बार्किंग डियर बोल रहा है। अलग अलग टाइम पे अलग आवाज़ें आ रही हैं। अभी अपने जंगली रिजॉर्ट से जा रहा हूँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर के नीचे, मार्केट मंदिर अभी नहीं जा रहा, नीचे तक सोहनलाल जी की दुकान है, कुछ सामान पुश करने बोला है लाने के लिए। पहले सोच रहा था पैदल जाऊँ, लेकिन लौटते वक्त फिर देर हो जाएगी, तो गाड़ी से ही जा रहा हूँ। इस बार ये बर्डिंग हट के सामने गाड़ी पार्क करी थी एकदम नदी के किनारे, और ये बर्डिंग हट दिख रही है। वैसे जनरली वहाँ पार्क करता हूँ, वैसे तो मैं ऊपर ही पार्क करता था गाड़ी। अब वो लेडीज हैं अपने जानवरों के लिए चारा काट के घर लेके जा रही है, ये सामने चारा लेके जा रही है, और उधर वो लेडी बकरी चला रही है। तो बकरी वगैरह यहाँ पालने से, पशुपालन से बहुत इनकम है लोगों की, क्योंकि ये घास वास सब फ्री में मिल जाती है, पानी फ्री में मिल जाता है। तो अपना सुबह बकरी को खोला, घर के आसपास ही देख के खड़े हो गए, जैसे वो घर देख रहे हैं तो वही उसी घर वाले होंगे शायद, पानी भी फ्री हो गया। और बकरा जो रेट शहरों में होता है वही रेट यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो पशुपालन होता है, आप ये मान के चलो कि जो भी यहाँ पे बकरी वगैरह पाल रहा है
इनकम किसी भी हालत में 25 से 30 हजार रुपए से कम नहीं है मंथली, केवल पशुपालन से। दोस्तों एक पेड़ होता है भ्यूल, तो मैंने कई वीडियो में पहले बताया था, तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको इस पानी में डुबो देते हैं, करीब एक महीना छोड़ देते हैं। कितने दिन भिगोते हैं, कितने दिन भिगो के रखते हैं? 15 दिन में हो जाता है। अच्छा, पता है। तो करीब 15 दिन तक इस लकड़ी को इसमें डुबो के छोड़ देते हैं, फिर नरम हो जाती है, फिर ऐसे ऐसे छिलके छीलते हैं और इससे अच्छा इसके लिए छिल्ले कहते हैं। तो ये देखो लड़का बता रहा है कि इसके डंडे को घर ले जाते हैं आग जलाने के लिए, ऊपर छिलके छिलके निकाल लेते हैं। हाँ, जो इससे रस्सी बनती है, इससे वही रस्सी बनती है ना, इसको बस ऐसे गुथ के बना लेते हैं। हाँ। तुमको आती बनानी? मेरे पापा, पापा को आती है। तो ये देखिए पूरे यहाँ से वहां तक दूर दूर तक ये झूल के छाल बिखरी। तो ये इससे बनाएंगे कि इसको फेंक गए? भाई आधा घर ले जाएंगे, आधा यहीं फेंकेंगे। क्यों? जिसको जितना चाहिए वो उतना ले जाएगा। अच्छा, तो बाकी इसको नहीं ले जाएंगे? तो देखिए जिसको जितनी रस्सी चाहिए वो छोड़ के बाकी छोड़ जाता है, तो मतलब जबकि मेहनत काफी लगती है इसमें। और ये तुम क्या पीने का पानी निकाल रहे हो? हाँ। कैसे गड्ढा खोदा तुमने इसके लिए? नहीं, हाँ। फूट रखा है यहाँ तो। अच्छा अच्छा, ये इधर से आ रहा है? नहीं, यहीं से आ रहा है। अच्छा, एकदम साफ है? हाँ, तो ये पानी साफ है कि वो वाला साफ है? कौन? ये वाला तो बता वाला पानी है। हाँ। यहाँ पे साफ पानी है। अच्छा, ये झेरी का पानी है? कभी वगैरह? हाँ। बाघ? हाँ। कब देखा? गाय में देखते रहते हैं, बकरी को ले जाता रहता है। ले जाता रहता है? कब ले गया तुम्हारी बकरी? हमारे जाओ किसी के साथ ले जाते। तुम्हारे पास कितनी बकरी है? हमारे पास 10-11 होंगी। और उसको कितने में बेचते हो? पता नहीं, बड़ी बकरी रहती है उसके साथ चिंगा रहता है, तो पता नहीं कितने में बेचते होगा मेरे साथ। पता नहीं है, लेकिन महीने में कितनी बकरी बेच देते हो? महीने में बेचते भी नहीं है, जब बेचता हुआ रहता है तब बेच देते हैं। मतलब साल में बेचते हो? नहीं, उधर विंध्यवास नहीं जा रहा हूँ। ये बंदर है वहाँ पे ना सारे, वो लंगूर है ना। वो सामने दिख रहा है विंध्यवासिनी माता का मंदिर पहाड़ के ऊपर, और बस यहीं तक जाना है मुझे, क्योंकि नीचे जो शॉप्स हैं कहीं सोहन लाल जी की शॉप से कुछ सामान लेना है, दूध दही वगैरह। जो नेचुरल स्विमिंग पूल था वो बस थोड़ा सा ही बचा है, क्योंकि उसमें पत्थर वत्थर भर गए हैं पानी से, एक दो बारिश होगी पूरा भर जाएगा। ये बंदा नहाने जा रहा है उसी में। ये थोड़ा सा ही बचा है, पहले काफी गहरा था ये, अब थोड़ा सा बचा है। आज संडे का दिन है, तो आप देखो सामने कितनी गाड़ियां अभी भी खड़ी हैं शाम को, जबकि शाम तक लोग निकल जाते हैं, दिन में तो बहुत सारी गाड़ियां नहीं होंगी। तो अच्छा पिकनिक स्पॉट है, जहां बहता हुआ पानी हो, मंदिर हो, इतना बढ़िया जंगल हो। ये सामने पार्किंग है, गाड़ियां रोक के लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहां कुछ लोग खाना भी बना रहे थे, मैंने उनको कवर नहीं किया, लेडीज वगैरह थी तो उनको ठीक नहीं लगता। तो ये फिश पॉन्ड बनाया सोहनलाल जी ने, वो पीछे उनका घर है सोहनलाल जी का, ये यहाँ खेत वगैरह है। ये आटा चक्की है जो कि पानी से चलती है, मैंने कई वीडियो में दिखाया, एक बार इसमें भी दिखा देता हूँ। पाली हुई है उन्होंने, ये देखिए पंचक्की है, ये पानी के फोर्स से चल रही है, पानी ऊपर से गिराते हैं, मैं दिखाता हूँ वो जगह आपको, तो टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन इसको चक्की को, और ये गेहूँ पिसता रहता है। ये देखिए इस तरह से पानी आता है, फोर्स के साथ जाता है, और नीचे टरबाइन है तो दिखेगा नहीं।
तो सामान ले लिया और अब चल दिए। ये सब लेडीज वगैरह पानी में एंजॉय कर रही हैं, शाम हो गई है, अब वापस जाना है। कह रहे थे उनको जाना चाहिए अभी कि जानवर मिलते ही हैं शाम को, वो जिप्सी वाला अपनी जिप्सी धो रहा है पानी में। वो जो नेचुरल स्विमिंग पूल है उसमें लोग नहा रहे हैं। ये फॉरेस्ट की चौकी है। साबुन वाबुन लगा के बढ़िया से वो स्पा बना रखा है। पानी भी ठंडा ही होगा, अभी मैंने टच तो नहीं किया लेकिन अच्छा होगा गर्मी में। ये तो जो नहा रहे हैं ये तो बाहर के हैं, गाजियाबाद की गाड़ी है UP 14। गाड़ी रोक के फैमिली नहा रही है, पूरी फैमिली नहा रही है नदी में। दूर से ही दिखा दे रहा हूँ, पास से नहीं दिखाता। ये गाड़ी जो नहा रहे थे ये भी दिल्ली के लोग थे, फैमिली दो छोटे बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड एंगलिंग कर रहे हैं मतलब मछली पकड़ रहे हैं, वाइफ पानी में खड़ी हैं, दोनों बच्चे मजे से नहा रहे हैं। क्योंकि इस पानी में फ्लो भी इतना ज्यादा नहीं है कि डर रहे हो बहने का, और गहरा भी नहीं है कि डूब जाओ। छोटी सी बच्ची मुश्किल से 5 साल की आराम से खड़ी है पानी में। वो रोड पूरी बन चुकी है जो विंध्यवासिनी से आ रही थी, हमारे रिजॉर्ट के सामने जा रही है। ऐसे मुड़ के ऐसे करके ऐसे पहाड़ की चोटी पहुंची है, और इस पहाड़ के बाद अगला पहाड़ है, उसके बाद हमारा रिजॉर्ट है। अभी एक बहुत बड़ा मोर वहां गया है झाड़ियों में, मोर जो बड़ा वाला मोर निकला था, ये देखिए। शाम के टाइम तो मोर ही मोर होते हैं यहाँ पे। रोड पे हम चल रहे हैं, इसकी भी एक खास बात है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में राजा जी नेशनल पार्क है और राइट हैंड साइड में पौड़ी गढ़वाल का सिविल फॉरेस्ट है। मतलब ये जो आप देख रहे हो पहाड़, ये राजा जी नेशनल पार्क है। ये पहाड़ जो देख रहे हो ये राजा जी नेशनल पार्क नहीं है, पौड़ी गढ़वाल का सिविल फॉरेस्ट है। ये रोड ही अब थोड़ा मुड़ गई इधर रोड, ये नदी के बीच का पार्ट ही डिवाइडर है, लेकिन जानवरों को ये बात नहीं पता है। तो लेपर्ड ये नहीं सोचता, इसमें टाइगर भी है शायद वो सोचता है, क्योंकि टाइगर की मूवमेंट हमारे इधर जंगली रिजॉर्ट की तरफ नहीं देखी कभी हमने। विंध्यवासिनी माता के मंदिर में तो कैमरा में रिकॉर्ड होता है, और विंध्यवासिनी माता का मंदिर राजा जी नेशनल पार्क के अंदर है, तो शायद टाइगर इतना पढ़ा लिखा है कि वो राजा जी नेशनल पार्क छोड़ के बाहर नहीं आता है। लेपर्ड तो आते रहते हैं, वो स्कूल नहीं गए होंगे, बंक मारा होगा।